क्रीम क्रीम ह्रीम 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 हुम ओम हम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम हम स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नम प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त अति दुर्लभ साधनाएँ चल रहे हैं, जान्य योग्यों बातों पर चर्चाएँ भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो साधनाओं वाले आज के इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ पूर्ण विधि भी देने वाले हैं अघोर रोग मुक्ति साधना के विषय में। इस साधना को आप किसी भी रविवार मंगलवार अथवा शुभ मुहूर्त में रात्रि को संपन्न कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रात्रि को काले रंग के ऊनी आसन पर बैठें। सर्वप्रथम अपने सामने एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चित्र स्थापित करें। अघोरेश्वर शिव साधना में जैसे हमने बताया था उसी विधि अनुसार अपने गुरुदेव का पूजन संपन्न करें और गुरु पूजन के पश्चात गुरु चित्र के आगे ही अष्टगंध अथवा राख की ढेरी बना लें, उस पर रोग मुक्ति यंत्र को स्थापित करें और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव के मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करें। और ध्यान इस प्रकार हो जैसे भगवान मृत्युंजय के आठ हाथ हैं, ऊपर के दो हाथों से दो कलश उठाए हुए हैं और नीचे वाले दो हाथों से वे सिर पर जल डाल रहे हैं। सबसे नीचे वाले दो हाथों में वो दो कलश लिए हुए हैं जिन्हें गोद में रखा हुआ है। सातवें हाथ में रुद्राक्ष और आठवें हाथ में मृग धारण कर रखा है। उनका आसन कमल का है। उनके सिर पर स्थित चंद्रमा निरंतर अमृत वर्षा कर रहा है जिससे शरीर भीग गया है। वे त्रिनेत्र युक्त हैं और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। उनके बाईं ओर भगवती गिरिजा भी विराजमान है और उसके पश्चात भगवान सदाशिव जी के ध्यान के समाप्ति के बाद अघोर माला में जो सिद्ध साधक परिवार के द्वारा कई बार आजमाया हुआ मंत्र है, कई बार सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उस मंत्र का सात माला जाप अवश्य संपन्न करें। मंत्र ऐसा है, ओम हम हिम हुम अघोरेभ्यो सर्वसिद्धिम देहि देहि अघोरेश्वराय हुम ह्रीम हम फट। यह मंत्र जाप दूसरे के लिए भी संकल्प ले के आप कर सकते हैं। मंत्र जाप समाप्ति के बाद अष्टगंध अथवा राख से रोगी को टीका सात दिनों तक लगातार लगाएं तथा यंत्र और माला को उसी वस्त्र में ही लपेटकर नदी या जल में प्रवाहित कर दें। यह अघोर रोग मुक्ति साधना की यह विशेषता है कि कैसा भी गंभीर रोगी हो उसका तबीयत में निश्चित रूप से सुधार होने लगता है। इस साधना को हजारों हजारों साधकों ने और हजारों हजारों गृहस्थों ने जो सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए हैं उन्होंने संपन्न कर इस साधना का लाभ भी प्राप्त किया है। इस साधना से लाभ प्राप्त कर चुके साधकों ने अघोर रोग मुक्ति साधना को आपके सामने लाने के लिए ही गुरुदेव जी से बात किया है, तभी जाके गुरुदेव ने यह साधना आप लोगों के समक्ष रखा है। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम हम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम हम स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नम प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।